छोटी छोटी सी। बुदाई जी का खाना बहुत अच्छा है। बुदाई जी वो भोजन भेजते हैं, बहुत अच्छा खाना भेजते हैं और बुदाई जी अगले बार भी भेजेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो अपने क्षेत्र की जनता का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद के भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता का सामने आया है। चिंकी नाम की बेसहारा बच्ची की अपील सोशल मीडिया पर वायरल होकर पहुंची। मुरादाबाद के भाजपा नगर विधायक के पास नगर विधायक ने की चिंकी की मदद। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में शेल्टर होम में रहने वाली एक चिंकी की वीडियो बनाकर किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। चिंकी ने विधायक जी से साइकिल दिलाने की अपील की थी। चिंकी की अपील वाली वीडियो वायरल होकर मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक रितेश गुप्ता तक पहुंच गई। रितेश गुप्ता ने मुरादाबाद से बाहर होने के बावजूद अपने प्रतिनिधि विपिन गुप्ता को यह निर्देश दिया कि वे इस बच्ची को साइकिल, खिलौने और कपड़े पहुंचाएं। विपिन गुप्ता ने आज जिला अस्पताल में बच्ची को ढूंढने के बाद इस मासूम बच्ची को एक साइकिल, खिलौने, कपड़े और पिट्ठू भेज दिया। ये सब पाकर चिंकी काफी खुश हुई और उसने नगर विधायक को धन्यवाद किया है। आंशिक कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान बेघर और परेशान लोगों के लिए मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक रितेश गुप्ता द्वारा कम्युनिटी किचन में खाना बनवाकर ऐसे लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। रितेश गुप्ता की टीम लगातार सुबह शाम ऐसे लोगों के पास कम्युनिटी किचन में बना हुआ खाना पहुँचा रही है। भाजपा विधायक रितेश गुप्ता को सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो मिली जिसमें एक छोटी बच्ची रितेश गुप्ता के द्वारा भिजवाए जा रहे खाने की तारीफ कर रही है और इसके साथ ही उसने रितेश गुप्ता से उसे साइकिल दिलाने की अपील भी की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल होती हुई भाजपा के नगर विधायक रितेश गुप्ता तक भी पहुंच गई। भाजपा विधायक रितेश गुप्ता ने मुरादाबाद से बाहर होने के बावजूद अपने प्रतिनिधि विपिन गुप्ता को यह निर्देश दिया कि वे बच्ची को ढूंढकर इसे साइकिल, खिलौने, कपड़े और बैग पहुंचाए। आज जब कम्युनिटी किचन से बना खाना बांटने भाजपा विधायक की टीम निकली, उन्हें ये लड़की मुरादाबाद के जिला अस्पताल के शेल्टर होम के पास मिल गई। ये बच्ची अपनी मानसिक रूप से कमजोर माँ के साथ रहती है। रितेश गुप्ता द्वारा उसे अपने सपनों की साइकिल भेजे जाने के बाद मासूम बच्ची खुशी से फूली नहीं समाई और इसने मुरादाबाद नगर के भाजपा विधायक रितेश गुप्ता को धन्यवाद किया है। चिंकी, आज ये तुम्हें क्या क्या सामान मिला है और किसने दिया है? मुझे विधायक जी ने, रजित गुप्ता ने दिया है सामान। क्या क्या दिया है? मुझे साइकिल दी है और चादर के कपड़े दिए हैं और मेरे शूज दिए हैं और बैग दिए हैं। अच्छा, कहाँ रहते हो? आपका घर वर है कोई? नहीं। कहाँ रहती हो आप वैसे? हम हॉस्पिटल में रहते हैं। अच्छा, आप आपके अम्मी क्या करती हैं? मेरी मम्मी तो मेरी माँ से रहती हैं, बेटी रहती हैं। अच्छा, तो आपने विधायक जी से कही थी इस चीज़ को? हाँ, इस चीज़ को मैंने कही भी थी, बहुत दिनों से कही भी रही थी। साइकिल के लिए और कपड़ों के लिए, तो आज आपके लिए है। कैसा लग रहा है आज आप? मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी से? आज मैं विधायक जी से यही कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम विपिन गुप्ता हूँ, माननीय विधायक जी का मीडिया प्रभारी। ये आज 16वां दिन है माननीय विधायक जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन कम्युनिटी किचन चलाई जा रही है, जो विधायक जी के नेतृत्व में चलाई जा रही है और हम लोग यहाँ खाना वितरण करते हैं। आज इसी क्रम में अभी सोशल मीडिया पर एक बच्ची की वीडियो वायरल हुई थी, उसे माननीय विधायक जी ने देखा तो वो विधायक जी से बोल रही थी कि मुझे साइकिल चाहिए, कपड़े चाहिए, बुक्स चाहिए। तो माननीय नगर विधायक जी ने उस बच्ची को देखकर बड़ा भावुक हुए और आज उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में माननीय विधायक जी के सुपुत्र कुमार भैया आज कुमार आए और उन्होंने बच्ची को साइकिल दी और बच्ची इतना खुश है, आप देख भी रहे होंगे, ये चिंकी बच्ची इतना खुश है, बहुत ज़्यादा उसे ये लग रहा है मुझे पता नहीं क्या चीज़ मिल गई, बहुत ज़्यादा। और हम लोग दिन प्रतिदिन ऐसे ही करेंगे, लोगों को अनाज भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, समय समय पर हर चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं। बस थोड़े दिन पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय नगर विधायक श्री रितेश गुप्ता जी को एक प्यारी सी बच्ची की वीडियो देखी थी उन्होंने और उसमें उसने मांग करी थी कि उसको साइकिल, कपड़े, कॉपी किताबें, शिक्षा की ज़रूरत है। तो विधायक जी ने एकदम से अपनी टीम से सबसे साथ डिस्कस करके वो सब चीज़ों का अरेंजमेंट करवाया और आज मैं उनका पुत्र कुंवर अनिरुद्ध अग्रवाल आज उनकी तरफ से प्यारी बच्ची को ये सारी चीज़ें देने आया हूँ। हमारी प्यारी बच्ची है, एजुकेशन आज के टाइम पे इतनी बड़ी नीड है तो शिक्षा की ज़रूरत है, तो हम जैसे जब तक काबिल लोग हैं, हमारी टीम है, हम लोग कैपेबल हैं तो आगे आना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। बस थैंक यू जी। बहुत बहुत खुशी हो रही है मेरे को उस बच्ची के फेस पे स्माइल देख के,
मतलब ये छोटी छोटी खुशियाँ ही इस कोरोना महामारी में थोड़ा जो हम लोग परेशान हैं, जो हमारी जनता जूझ रही है, तो बस उससे थोड़ी खुशी मिल जाती है सब चीज़ों।